25 अगस्त के दिन गुरु पुष का संयोग यानी गुरुवार के दिन पुष नक्षत्र, नक्षत्र राज पुष जिनके अधिष्ठाता देव हैं देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों का संयोग बहुत बहुत ही विशेष शुभ संयोग है, बहुत ही महान दिन है। आज के दिन यानी गुरु पुष नक्षत्र जिस दिन एक साथ संयोग मिलता है, इस दिन का किया गया जप तप पूजा पाठ ये कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और इस संयोग में संध्या काल में माता लक्ष्मी के समय घी का दिया जलाएं और खीर का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न होगी और धन की वर्षा होगी आपके यहाँ। स्मरण रहे गुरु पुष नक्षत्र इस संयोग के दिन किसी प्रकार कला से संबंधित या विद्या से संबंधित इस प्रकार के कार्य प्रारंभ करना, कहीं यूनिवर्सिटी में स्कूल में नामांकन कराना ये बहुत है, और विशेषकर इस दिन की खरीदारी भी बहुत अच्छा माना गया है। सोने चांदी तांबे किसी प्रकार की धातु पुस्तक शिक्षण से धार्मिक चीज़ों का से संबंधित किसी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत अच्छा माना गया है। किंतु स्मरण रहे एक बात, घर की महिलाएं इस दिन खरीदारी अवश्य कर सकती हैं किंतु नए वस्त्र या नए आभूषण धारण आज के दिन नहीं करती हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। पीले चीज का स्वयं भी उपयोग करेंगे, कढ़ी बूंदी की रायता बूंदी की लड्डू, कढ़ी खिचड़ी चने की दाल से बने हुए कोई व्यंजन, इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करना बहुत शुभ और अच्छा माना गया है। तो गुरु पुष नक्षत्र को बिल्कुल न गवाएं, आज के दिन थोड़ी विशेष पूजा पाठ थोड़ा जप तप कर ले, विशेष कर जप, और जप यदि करना है तो ओम पुष्याय नमः, ओम पुष्याय नमः, या उसके साथ में ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पत्यै नमः या ओम ऐं क्लीं गुरु बृहस्पत्यै नमः, इन मंत्रों का जाप यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल इसमें प्राप्त होने वाला है। गुरु पुष नक्षत्र का शुभकामना, आप इसका आनंद उठाएं और इसका लाभ भी उठाएं, धन वर्षा होगी करके देखें, निश्चित इसे न गवाएं।